हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसा आप जानते हो, इंडियन रेलवे लगातार अपने सिस्टम के अंदर चेंज करता आ रहा है, स्पेशली इन मेल सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर। जहां पहले इन मेल सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर 9 से 10 स्लीपर हुआ करते थे, आज मात्र 3 से 4 स्लीपर है, वही 2-3 जनरल रह गए। लगातार एसी कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों इन ट्रेनों के अंदर। आज आपको हर मेल सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर 6, 7, 8, इनफैक्ट 9 से 10 थर्ड एसी कोचेस मिलेंगे और स्लीपर कोचेस बहुत कम मिलेंगे। अब वो इंसान जो पहले से इन नॉन स्लीपर कोचेस में ट्रेवल करता आ रहा है, क्योंकि दोस्तों डेफिनेटली हम नॉर्मल इंसान के लिए मेल सुपर फास्ट ट्रेनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, उन्हें भी अपने टिकट अवेलेबिलिटी या ट्रैवलिंग के कारण इन थर्ड एसी कोचेस में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है 3 गुना ज्यादा फेयर देकर। भाई, जब आप इतने फेयर देकर थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शायद फर्स्ट टाइम भी इन कोचेस या थर्ड एसी कोचेस में ट्रैवल कर रहे होंगे, उनके साथ रेलवे अब सबसे बड़ा स्कैम खेल रहा है। दोस्तों, जब आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक कर रहे होगे, वहां आप थर्ड एसी के नाम पर टिकट बुक करते हो, बट जिस दिन आप ट्रेवलिंग करने जाते हो, जिस दिन आपका टिकट कंफर्म या चार्ट प्रिपेयर के टाइम आता है, वहां देखते हो कि आपके साथ सबसे बुरा डिग्रेडेशन हो जाता है आपके टिकट के साथ। तो बात करेंगे कि रेलवे क्या डिग्रेडेशन कर रहा है, स्पेशली इन थर्ड एसी कोचेस के सामने, और क्या बड़ा स्कैम चल रहा है इंडियन रेलवे के अंदर। दोस्तों, तो टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले बात करते हैं इंडियन रेलवे की थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में। थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस जो कि 2021 में इंडियन रेलवे द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जहां पे इस थर्ड एसी इकोनॉमी जो हमारी पुरानी कोचेस होती थी उनके मशीनरी सिस्टम में कुछ अपग्रेडेशन करके या उन्हें हटाकर एक्स्ट्रा स्पेस बनाया गया, वहीं 11 सीटें इसमें और एड ऑन कर दी गई, जिससे थर्ड एसी इकोनॉमी कोच थोड़ा कंजेस्टेड तो हो ही गया। वहीं दोस्तों, इंडियन रेलवे ने वादा किया था कि इन कोचेस का फेयर थर्ड एसी या स्लीपर के बीच में रखा जाएगा, जिससे डेफिनेटली जो स्लीपर ट्रेवलर्स है वो इन थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस को यूज कर सकते हैं, और रेलवे इस तरह से इन स्लीपर कोचेस को हटाकर इन थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस को एड ऑन कर सकता था टेक्निकल और लोगों के कंफर्ट के नाम पे। पर दोस्तों, जब पहली बार इन थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस को ट्रेन में लगाना शुरू किया गया, वही लोग इन्हें शुरुआती दिनों में यूज करने लगे, तो इसके खिलाफ बहुत ही नेगेटिव फीडबैक आने लगे। दोस्तों, सबसे पहले लोगों को अपने ट्रैवलिंग कंफर्ट में बहुत इश्यू हो रहा था। जहां पे ये कोचेस बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, वहां पे आप अपना सामान रखना, पैर रखना, इनफैक्ट चलने में बहुत मुश्किल होती थी। वही दोस्तों, जब इनपे किराए की बात आई तो मात्र 100 से 150 रुपए का फर्क था थर्ड एसी से, और स्टार्टिंग में दोस्तों तो इसमें पेट्रोल की फैसिलिटी भी नहीं मिला करती थी, तो लोगों ने अपने शुरुआती दिनों में इन कोचेस को बहुत ही नेगेटिव फीडबैक दिया, और इसे देखते हुए इंडियन रेलवे ने इसके प्रोडक्शन को कम ही कर दिया। वहीं उस टाइम सिर्फ कुछ ट्रेनों के अंदर इसके 1 या 2 कोचेस को इंट्रोड्यूस किया, बट डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे 11 की ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी थी और इंडियन रेलवे को यहाँ प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उम्मीदें थी, तो उसे रेलवे ने एक अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया। सिंपल में बात करें तो आप गाड़ी नंबर 12534 देखिए, जो कि लखनऊ से चलकर मुंबई को जाने वाली पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। पहले इस ट्रेन के अंदर 9 थर्ड एसी के कोचेस होते थे, जिसे रेलवे ने पूरा हटाकर थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस डाल दिया है। अब इस ट्रेन के अंदर थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, वही स्लीपर के कोचेस मिलते हैं। भाई, जब मैंने भी देखा, ये सोचा कि अब IRCTC भी इसका रिजर्वेशन सिर्फ थर्ड एसी इकोनॉमी पे ही लेगा, वही जो 100 से 150 रुपए का अंतर है उस पे आपकी टिकट इन ट्रेन के अंदर बुक होगी। पर दोस्तों, अब बात करते हैं IRCTC वेबसाइट का इस ट्रेन के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी और स्लीपर के ही ऑप्शन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई थर्ड एसी इकोनॉमी की मैंशनिंग नहीं है। अब यहाँ पे इंडियन रेलवे थर्ड एसी पे आपके टिकट बुक कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई थर्ड एसी तो है ही नहीं दोस्तों। और आप जब टिकट बुक कर रहे होते हैं, वहीं आपको कंफर्मेशन तो मिल जाता है, पर जिस दिन आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस दिन जब चार्ट प्रिपेयर होता है तो वहां पे आप बी की जगह एम देख रहे होते हैं। मतलब कि दोस्तों, आप यहाँ टिकट बुक करते हो थर्ड एसी के एक्सपेक्टेशन पे और इंडियन रेलवे आपको डाउन डिग्रेड कर देता है थर्ड एसी इकोनॉमी में। अब इस टाइम दोस्तों यहाँ पे कुछ मेंशनिंग तो है नहीं, बट जब हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं और हमारी अवेयरनेस का भी थोड़ा सा इशू रहता है, तो वहां देखते हैं कि यहाँ पे हमें थर्ड एसी इकोनॉमी मिल गया है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों आपके 100 से 150 रुपए के बस जो अंतर का फेयर है उसकी नहीं है, बट डेफिनेटली आपने जो कम्फर्ट लेवल वाइज सोचा था वो यहाँ पे सबसे ज्यादा डूब गई। वही दोस्तों, क्योंकि ये रूट सबसे ज्यादा डिमांडेड है और ये गाड़ी भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की है, तो हमारे पास इन थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में ट्रेवल के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। वही दोस्तों, इंडियन रेलवे के डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, क्योंकि अब वो हर कोच के अंदर 11 लोगों को और एड ऑन कर सकता है। वैसे 9 यहाँ पे कोचेज है, तो 99 कैपेसिटी रेलवे और बढ़ा लेता है, साथ में वो 100 से 150 रुपए वाला मार्जिन भी रेलवे आपसे ले लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आपके 100 से 150 रुपए वाले की भी नहीं है, बात है आपके यहाँ पे कम्फर्ट लेवल की बात पे। डेफिनेट से थर्ड एसी ज्यादा कम्फर्टेबल कोचेज है, बट थर्ड एसी इकोनॉमी सबसे घटिया कोचेज है।
यहाँ पे दोस्तों बेरली कोई जगह है, बेरली कोई स्पेस है आपके बैठने या आपके सामान रखने की, जो कि सबसे बड़ी दिक्कतें थी और इसी वजह से सबसे ज्यादा नेगेटिव फीडबैक दिया है। अब दोस्तों इंडियन रेलवे क्या कर रहा है, ऐसी मैक्सिमम ट्रेनों के साथ कर रहा है, मैक्सिमम ट्रेन के अंदर जिसको आपके एक या दो थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस मिलेंगे, बट आप IRCTC की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर कोई भी थर्ड एसी इकोनॉमी की मैंशनिंग नहीं है। एक तरह से वो थर्ड एसी इकोनॉमी थर्ड एसी बन गया है कंजेस्टेड वाला। और वही नहीं दोस्तों, अब जो भी ट्रेनें जो लगातार ICF से LHB में कन्वर्ट होती जा रही हैं, रेलवे लगातार उसमें स्लीपर के कोचेस कम करके इन थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस को डाल रहा है, ये कहते हुए कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस इकोनॉमिकल है। बात करें गोवा एक्सप्रेस की जो हाल ही में LHB हुई है दोस्तों, पहले उसमें 8 से 9 स्लीपर के कोच, वहीं मात्र 4 थर्ड एसी के कोच थे। आज कन्वर्जन के बाद भी उसमें 4 ही थर्ड एसी के कोच है, बट स्लीपर की जगह अब 4 थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस है। वहीं कुछ सेकेंड एसी और एक फर्स्ट एसी का कोच भी एड ऑन करने से स्लीपर की क्वांटिटी मात्र 8 से 2 रह गई है। अब क्योंकि दोस्तों ये रूट बहुत डिमांडेड है, यहाँ पे नॉन एसी कोच ट्रेवलर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो अब उन लोगों के लिए जो स्लीपर में जाना चाहते हैं वो इन थर्ड एसी इकोनॉमी कॉन्सेप्ट भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अगेन रेलवे इस गोवा एक्सप्रेस के लिए थर्ड एसी इकोनॉमी थर्ड एसी के नाम पे ही बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई आपको इकोनॉमी का कोई फायदा तो मिला नहीं, वही उल्टा जो नॉन एसी कोच है स्लीपर के ट्रेवलर थे उनकी अब और बुरी हालत हो गई है इन ट्रेनों के अंदर। तो डेफिनेटली दोस्तों रेलवे अब नए तरीके से आप पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, रेलवे अब इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, अब आप थर्ड एसी इकोनॉमी कुछ इसको प्रोडक्शन देख भी सकते हैं और लोगों को ये पता भी नहीं चल रहा है जब वो टिकट बुक करा रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों जरूर कहूंगा, पहली बार जब भी आप किसी ट्रेन में बुक कर रहे हैं जरूर देखेगा उनके अंदर थर्ड एसी इकोनॉमी के कोच है कि नहीं, चाहे वो एक ही है। पर दोस्तों होता क्या कि जब हमारी मजबूरी होती है और हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो हमें ट्रैवल करना ही पड़ता है, और दोस्तों इन कोच के अंदर 12 घंटा ट्रैवल करना ही सबसे बड़ा सिरदर्द है, तो वो ट्रैवलिंग क्या जो 27 से 28 घंटे की होगी इन कोचेस के अंदर, सोच के देखिए। तो बस दोस्तों मैं आपको यही स्कैम बताना चाहता था इंडियन रेलवे का, होप है आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। आपने कोई ऐसी ट्रेन देखी हो जहां पे थर्ड एसी इकोनॉमी लगा हो बट IRCTC की वेबसाइट पर थर्ड एसी इकोनॉमी का कोई मेंशनिंग ना हो तो मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।